हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू न्यू गेम प्ले। हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं WCC 3। तो गाइस आज हम रिसेम करेंगे भाई ओल्ड गेम। कल की गेम में हमने खेला था गाइस 10 ओवर का मैच खेला था, आई थिंक। हाँ गाइस, 10 ओवर का मैच खेला था और मैंने 150 लगभग 149 का टारगेट दे दिया था। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, और 149 का टारगेट के साथ अब हम करेंगे डिफेंड 149 के टारगेट को। देखते हैं बना पाते हैं या नहीं, हम जीत पाते हैं या नहीं, सारा कुछ मैच में पता चलेगा। बुमराह इज बॉलिंग। ओ ब्रो, पहली गेंद ही नो बॉल। कोई बात नहीं, अब गाइज मैं नो बॉल बिल्कुल नहीं डालूंगा। नो बॉल के साथ फ्री रन भी मिल गए। ओ भाई जान, 3 रन मिल गए फ्री के। पहली गेंद बहुत गाइज रन देकर जाएगी। ये भी वही गेंद है। ओ भाई जान वाइड, ठीक तो थी वो गेंद। स्विंग होती हुई आई है गेंद। ये लो गाइस आउट। 6 क्या है? अच्छा आउट है। अच्छा वैसे फ्री हिट ही है। ओ भाई क्या कैच पकड़ा है तूने, बस मजा आ गया देखकर वो कैच। मुझे लगा था 6 लग जाएगा पहली गेंद पर, वैसे लगभग 6 जितने ही रन आ चुके हैं। 6 ही समझ लो पहली गेंद को। वहाँ पर फील्डर रखना जरूरी है, फील्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, सिंगल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना टारगेट मैंने इन्हें दे दिया है। अच्छा ये बात है, स्लो बॉल डालेंगे ऊपर। अगर यहाँ पर गेंद स्लो आती है गाइस, ओ भाई जान ये भी गेंद खेल गए। कोई बात नहीं गाइस, सिंपल ही थी गेंद, कोई ऐसा भी नहीं है। डायरेक्ट थ्रो है, अब नहीं रन लेंगे, पता डायरेक्ट थ्रो है, आउट आउट हो सकते हैं। अब बाउंसर झेलो मेरा, बस गाइस वाइड ना हो जाए। वाइड थ्रो हो गई, कोई बात नहीं, रन तो नहीं आएगा, कुछ नहीं होता इतने से साथ। ओ भाई जान बाहर से गेंद थी और बोल्ड होना चाहिए था वो। विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी चाहिए। आउट, यस गाइस आउट हो गया। पहले ओवर में बुमराह विकेट ले गया, कुछ देखने की तो कोई बात ही नहीं है। वाइड बॉल पे गाइस आउट हो गया। चहल ने कैच पकड़ा, स्मिथ आ गया जिसने सेंचुरी ठोकी कल के मैच में। इंडियंस के लिए एक अच्छी बात है गाइस क्रिकेट में, वैसे तो मतलब कि दुखदाई बात है कि जो डेविड वार्नर है वो हो चुके हैं जख्मी, तो वो अगला मैच नहीं खेलेंगे जहाँ तक मुझे पता है न्यूज़। वो अगला मैच नहीं खेलेंगे डेविड वार्नर जो है, जिन्होंने जो हर मैच में अपनी फॉर्म दर्शाते हैं, हर दो मैचों में उन्होंने अपनी फॉर्म दर्शाई है बढ़िया वाली। तो 76 रखा ली, 8 इससे 76 की कमियाँ, 8-10 रन देगा ये इस शॉट के हैं। तेरा बुढ़ा ने खेला है वो शॉट, सॉरी गाइस फॉर दिस लैंग्वेज, पर किसी को भी गुस्सा। इतनी भी टर्न नहीं होती मेरी गेंद जितना तुमने समझ लिया। यहाँ से मारूँ अंदर चली जाएगी गेंद, आई थिंक जानी तो चाहिए, चली गई। देखा जाए तो 11 गेंदे 15 रन है, कोई मतलब अच्छा कोई रन रेट नहीं है इनका भी। 7 रन आए अभी तक इस ओवर से। अंदर चली जाएगी ना और वाइड हो जाए। लो गाइस 7 ही रन आए हैं। तो नेक्स्ट ओवर मैं देना चाहूंगा जडेजा को। इतनी टर्न कैसे हो जाती है गाइस मेरी गेंद, जब मैं चाहता हूँ हो तब नहीं होती, जब नहीं चाहता हो तब हो जाती है। नो बॉल एक और डल गई गाइस, जब मैं ट्राई नहीं करूंगा इस चीज का, बस ये पकड़ ले फील्डर।
ओ भाई, ये 1 रन भी मिल गया नो बॉल के साथ, डायरेक्ट हिट। तो गाइस कल के मैच में आपने देखा श्रेयस अय्यर ने डायरेक्ट हिट कितनी बढ़िया लगाई। वो रन आउट अपनी तरफ से तो वो बढ़िया रन ही भागा था, क्या कौन था वो, वार्नर था शायद, वार्नर, हाँ वार्नर अपनी तरफ से तो सही रन भागा था। वो आउट इसलिए हो गया गाइस क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट हिट, मतलब कि 100 में से 1% चांस होता है कि डायरेक्ट हिट लग जाए। गाइस कैसे लगा देते हैं ये ऐसे सिक्स, अभी तो 6, 7, 8 रन आ गए 2 गेंदों में। कोई नहीं, सिंगल से मुझे फर्क नहीं पड़ता, सिंगल ले जाओ, पर ये सिक्स वगैरह मत लगाओ, इससे मेरा दिल दुखता है। तू भी कैच आउट हो जाए यार, बस ये फील्डिंग इनके लिए ठीक नहीं है, तो गैप निकाली जा रहे हैं वो। मैं अब नहीं गाइस, ऐसे जो मैं बोल रहा हूँ कि सिंगल अच्छी बात नहीं है, वो ऐसे सोचना कि सिंगल निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ेगा गाइस, एक एक रन से फर्क पड़ता है। अगर मैं 1 और रन मार देता तो 150 का टारगेट होता। हल्का सा शफल किया और गेंद को लेग साइड पे भेजा, चीते को पीछे छोड़ दे, इतनी तेज भागा ये बल्लेबाजी टीम के लिए एक बढ़िया ओवर। रायना को देते हैं गाइस, मैंने बॉलर डाले ही नहीं है, और ये गेंद डालता हुआ रायना, वैसे रायना स्पिनर है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। ओ भाई ये रन आउट है, अगर मुझे देता ऑप्शन मैं डायरेक्ट हिट दबा देता, अगर डायरेक्ट हिट होती तो रन आउट हो जाना था। ये गाइस मुझसे नो बॉल डल गई, शुक्र है इस पे रन नहीं गया नो बॉल पे। देखते हैं लगा पाता है या नहीं कुछ, वैसे ये आई थिंक ये वाइड हो सकती है। ओ भाई जान ये क्या बात है, मुझसे क्यों नहीं लगते ऐसे शॉट, भाई जब तू आउट होता है, कमेंटेटर की बात कर रहा हूँ, जब ये बोलता है अगर मैं आउट हुआ होता तो मैं बहुत ही शर्मनाक महसूस करता, अब ये बोल रहा है मैं बड़ा ही गर्वानित होता। तू भाई क्या क्या होता है, तू आज मुझे ये बता दे। वो भी गाइस इस गेंद पे भी वो सिक्स ही मारने जा रहा था बैट्समैन, वो मैंने रो उससे लगा नहीं पर लगाने वो छक्का ही। और भाई जान तू खड़ा क्यों है, भागने के लिए, पकड़ी नहीं जाती क्या गेंद, भाई गुस्सा चढ़ा रहे हैं अभी, ऐसे रन निकलते रहे फिर तो हम जीत गए। 22 गेंदों में 36 रन दे दिए, और शुक्र है कम से कम नो बॉल तो नहीं हुई। हाँ ऐसे पकड़ गए, बढ़िया प्रदर्शन, अगर जीतना है तो फिर इस मोमेंटम को चालू रखना पड़ेगा। पहले बैट घुमाया है गाइस इसने, ये तो इसके पैड में लगनी चाहिए थी बॉल। बढ़िया जजमेंट, तेज रनिंग, बढ़िया रन बटोरा बल्लेबाजों। तो गाइस अब धोनी को ले आया हूँ मैं बॉलिंग पे, वैसे आई थिंक हम जीत सकते हैं, 10 ओवर का मैच है और 4 तो निकल भी गए, और इनसे अभी तक 50 भी नहीं पूरे हुए, और टारगेट 150 का है, 150 का है, अब आप इस ऐसे मान लो 4 ओवर में 50 नहीं हुए, टारगेट 150 का है, अब 35 में 112 चाहिए, कौन बना लेगा इतने रन। करंट रन रेट है गाइस 9.12 का, रिक्वायर्ड है 19 का। डायरेक्ट थ्रो, गए ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होती, मैं पूरी दिखा भी देता हूँ, जैसे एक पार्ट में बैटिंग दिखा दी, दूसरे में बॉलिंग दिखा दी। अब मैं कुछ कर सकता हूँ, रिवर्स स्विंग करूँगा, इस टाइप की गेंद होगी, यॉर्कर डालूंगा गाइस, अब ये अगर आउट नहीं हुआ रिवर्स स्विंग पे, ये भी खेल गया, वो भी गैप में खेल गया गाइस, इससे शर्मनाक क्या होगा भाई जान तेरे लिए बॉलर, भाई रिवर्स स्विंग भी खेल गया ये। WCC 2 में तो होता था रिवर्स स्विंग पे, कभी रन नहीं आते थे। 2 रन के साथ संभाल रहे हैं अपनी टीम को, सबका बढ़िया प्रदर्शन, फील्डर ये 24 कैरेट खरा सोना है,
पॉइंट फील्डर के हाथ में सीधा ड्राइव, कोई रन नहीं। इस बार भी डिफेंस करने का ही फैसला किया। अब दोबारा ओवर देखता हूँ भाई जडेजा को देख के कि एक बॉलर कितने ओवर कर सकता है। अगर दो कर सकता है, फिर तीन कर सकता है, फिर तो मैं उन दोनों को कराऊंगा, चहल और बुमराह को। अगला ओवर चहल को दूंगा मैं। गाइस अब तो मार लो शॉट, कब मारोगे जब 10 गेंद पे 100 रन रह जाएंगे। ओ भाई जान क्या डिफेंस किया है आगे बढ़कर, मजा आ गया देखकर। हैं मैं नो बॉल दे दूं फिर ही तुम रन मारोगे, चलो एक नो बॉल ले लो। गाइस मैं जान पूछ कर नहीं दिया, ये गलती से पड़ गई, और ये भी इन्होंने गैप में धकेल दी गेंद। तू पहले आगे बढ़ जा वहाँ। गाइस जैसे ये दौड़ के इसने थ्रो मारी है, मुझे पता है इसे पेस बढ़ती है गेंद की, पर तू ऐसे कर भाग के उसे ऐसे ही पकड़ा के आ जा हाथ में, टाइम वेस्ट हो गया। गाइस तू बोल दे पहले, गाइस काली जबान साले की, अच्छा मौका है या अच्छा मौका है। शुक्र है गाइस लगा नहीं शॉट, और उससे भी बढ़िया शुक्र है कि गेंद वाइड नहीं थी अंपायर ने। कितना टाइम लगा दिया गेंद ने पहुंचने में। 7 रन आ गए हैं 3 गेंदों में, 4 पे भी 7 ही है। और ऊपर कर दो। ओ क्या कट शॉट है, पर रन तो मैं दूंगा नहीं। ओ भाई और इधर, हाँ अब ठीक है गेंद, हाथों का निशाना डाल रहा हूँ गाइस मैं। फील्डर और गेंदबाज का अच्छा तालमेल, बढ़िया थ्रो, बूंद-बूंद से गागर भरता है सिंगल के साथ। 25 का हो गया गाइस रिक्वायर्ड 100। तो गाइस मैंने अगला बॉलिंग का ओवर चहल को दे दिया है, तू भी झटका दे एक विकेट। बल्लेबाज ने आगे की तरफ पैर निकाल के। तो भाई ये साइड मुझे अनलकी क्यों लग रही है अपने के लिए। बल्लेबाज जोखिम खाएगा नहीं, डॉट बॉल, ओवर द स्टंप्स जाने का फैसला, अच्छी कोशिश लेकिन ओवर एंड आउट, क्या कर पाएंगे। ओ भाई जान ये ज्यादा अनलकी रह गई मुझे लगता है। पुत एक दो छक्के ला के थोड़ा साड़े क्या हो जाना, जो कमेंटेटर बोल रहा है इसे तो ये बोलना चाहिए एक हाथ से कुछ नहीं होगा भाईजान, 2-3 लगा दो अब इकट्ठे और दे। तू मेरी बात क्यों सच कर रहा है, मेरी जबान काली नहीं है भाईजान। कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ कितने में लगाएगा छक्के। ये साइड मुझे अनलकी लग रही है, पर मैं देखता हूँ ये लगाएगा कितने 4 लगा लेगा। कौन है ये सारा स्मिथ, 22/36 बढ़िया मार रहा है वैसे, पर मेरे जैसा नहीं, 17/50 मार देता हूँ मैं तो। अब देखता हूँ तू कैसे मारता है, मारेगा मुझे। रणजीत सिंह जी जाने जाते थे इस शॉट के लिए, लेकिन लगता है इस खिलाड़ी ने भी महारत हासिल कर ली है इस लेग क्लास में। चीते को पीछे छोड़ दे, इतनी तेज भागा ये बल्लेबाज। ओ शुक्र है गूगली, और ये गूगली का क्या फील्डिंग है गाइस, चौका लग सकता था। 28 का है रिक्वायर्ड 100। अच्छा 2-2 ओवर ही लगा सकते हैं, लास्ट फिर मैं बुमराह को दूंगा, एक बॉलर ओनली 2 ओवर निकाल सकता है। फिर से नो बॉल, बाउंसर तो इससे आता नहीं है ना, इसलिए हम लगा नहीं पाएंगे नो बॉल। मैं सोच रहा हूँ फिर कहाँ डालूँ, फिर नो बॉल पे मैं कहाँ डालूँ अब बॉल। वैसे जीता हुआ हूँ मैं, वो कोई बात नहीं अब कि जी हार जाऊंगा वगैरह वगैरह। तो 10 छक्के लगा दें इकट्ठे, तब कुछ इनका हो सकता है। तू पहले अपनी काली जुबान निकाल ले। शॉट गेंद को अच्छा मैनेज किया इस पुल शॉट के जरिए, मुफ्त की गेंद थी लेकिन फायदा उठा नहीं पाए, चौका छक्का लगा नहीं पाए। हाँ हाँ मुफ्त की गेंद थी गाइस, मुफ्त की ही मिलती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो छोड़ो, आपको लगेगा पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, समझ नहीं आएगा ऐसे। हाउ इज दैट भाई, बोलो पैड पे लगी है बॉल, एक मुझे ही बोलना पड़ेगा, ब्लूटूथ लगा ले कान में, मैं बोलूंगा हाउ इज दैट, हाउ इज दैट।
ग्लिचेस, इज दैट ग्लिच? इसे भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो। अब अगला ओवर मैं किसे दूं भाई? चलो इधर घुमाते हैं, थोड़ी सी स्विंग मिलेगी। बढ़िया गेंद, लेकिन उससे भी बढ़िया डिफेंस, हर डॉट गेंद के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ। अब ये बोला इसने कुछ ठीक गाइस, वो भी पैसे पहले गलत ही बोला है, बढ़िया गेंद उससे बढ़िया डिफेंस ना, ये टेस्ट मैच चल रहा है, बढ़िया गेंद डालो उससे बढ़िया डिफेंस खा लो। बढ़िया ड्राइव, लेकिन फील्डर मौजूद, ये तो चल रहा है। T20 में भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो फिर भी 10-10 चल रहा है। 10 ओवर के मैच में कौन ऐसे नो 41 का रिक्वायर्ड 100। अब तो मैं जीत ही गया गाइस, अब मैं जीत गया, रिक्वायर 100 अच्छा खासा चल गया ऊपर। ये कौन सा ओवर है बे, 10वां तो नहीं है ना? शुक्र है, अगला ओवर बुमराह से कराऊंगा, मैं बुमराह को लेने वाला था, मुझे लगा 10th ओवर ही है। ओ भाई भाई भाई, चलो गाइस ओवर थ्रो बताऊँ आपको कैसे होती है। ओवर थ्रो में डायरेक्ट हिट जैसा ही होता है, पर वो पीछे निकल जाती है। भाई रन ले लो एक्स्ट्रा, तू भी ओवर थ्रो लगा दे, कैच कैच खेली जाओ दोनों फील्डर। चलो अग्रवाल एक बाउंसर डाल दे स्पिनर होके। भाई यार बाउंसर पे ये क्या शॉट लगा रहा है, ओ गाइस उसका पिछवाड़ा टूट जाता है जैसे जहाँ पर इसने थ्रो लगाई है। यही या वाइड थ्रो स्मिथ, भाई जान लगा दे तू ही शॉट, आउट हो जाकर नहीं लगा सकता, से एक एक रन से थोड़ी ना भाई तू जीत जाएगा। चल तुझे फुल टॉस दे दी, अब मार ले, इससे बढ़िया फुल टॉस कहाँ मिलेगी। वैसे मैं हार तो नहीं जाऊँगा ना, लगा दिया गाइस, देखा मैंने कहा लगा दे, इसने लगा दिया, वैसे अब मैं हार तो सकता नहीं हूँ। पर गाइस इसकी भी हाफ सेंचुरी हो जाएगी, ऐसे तो हाफ सेंचुरी नहीं होने देनी मैंने इसकी, पकड़ ले। ओ भाई ये तो आउट है, तेरी भैंस की, इतनी दूर से ले गए ये रन। ओ भाई इसकी तो हाफ सेंचुरी हो जाएगी ऐसे। ओ नो गाइस, नो मैन लैंड, हाँ डायरेक्ट हिट। अब भाग साले, अब भाग तेरी भैंस की आंख। अगला ओवर तो है भी बुमराह का ही है, अगला ओवर बुमराह का है, अब देखता हूँ आउट करूँगा मैं इसे, इसकी हाफ सेंचुरी नहीं होने देता। स्मिथ ही है गाइस और स्ट्राइक पे, और ये गेंद डालूँगा बाउंसर। ओ गाइस हो गई हाफ सेंचुरी, हो गई हाफ सेंचुरी गाइस। अब 5 छक्के लगा दिए इसने, एक भी चौका नहीं लगाया, 5 छक्के। ओ भाई साहब 5 छक्के लगा दिए, बल्ले बल्ले। वैसे मैंने इसको लगाने दिए 2-3, तो मैंने ही जान पूछ कर गलत गेंद डाली। क्या स्ट्रेट ड्राइव है गाइस, डायरेक्ट हिट खाओ इसी खुशी में। मुश्किल से एक डेढ़ स्टंप दिख रही थी उस एंगल से, और क्या सटीक निशाना। भाई कहां से ग्रीस दी इसने गेंद, पिक्चर परफेक्ट शॉट, क्या शॉट है गाइस, गैप में डाल दी वो भी ग्रीस के, कोई बात नहीं। और तेरी भैंस की, नो बॉल मत डाल, 64 रन चाहिए गाइस 2 बॉल पे। ओवर थ्रो करेंगे एक, और तेरी भैंस की, कोई बात नहीं यार तू भी लगा ले एक आधा रन और मार ले। अब तेरे सिक्स का क्या फायदा अगर 25 में तुमने 24 मारे हैं, अब क्या साबित कर लोगे तुम। 24 पे 25 थे इसके ना, 25 पे 24 रन, 25 बॉल 24 रन, लास्ट बॉल पे भी कोई कुछ नहीं उखाड़ पाए, अपने लिए खेले ये तो बस। अंत में मिली
एक आसान सी जीत 54 रन के साथ जीत गए। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। शिखर धवन चल जा चुका है हमारा मैन ऑफ द मैच। अगली वीडियो देखने के लिए टाइम पर चैनल पे सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते अगली वीडियो में, गुड बाय।